भाई बहुत दिनों से भाई एक जो जिस चीज का इंतजार था भाई वो खत्म हो चुका है इंतजार भाई। मतलब अपन लोगों की भाई बाइक का जो एनओसी पेपर था ना भाई वो आ चुका है भाई इस चीज़ की भाई मुझे बहुत ज़्यादा ठीक है। और इसको भाई आपको दिखाते हैं कि भाई इस वाली एनओसी में भाई क्या क्या लिखा रहता है क्या क्या नहीं रहता है आखिर इसमें ऐसा क्या रहता है। ठीक सिग्नेटरी है वो कर रखी है इन्होंने ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है दिस एनओसी इज़ वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो इस 90 डेज का इन्होंने भाई इतना कम समय हमारे को क्यों दिया भाई। तो इसका मतलब ये है कि इसको भाई इसने टाइम के भीतर शोरूम पर लेके जाना है और वहां पर भाई जो अपन लोगों की आरसी रहती है ना उसके साथ इसका भाई कुछ होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक और भाई बहुत दिनों से भाई एक जो जिस चीज़ का इंतजार था भाई वो खत्म हो चुका है इंतजार भाई। मतलब अपन लोगों की भाई बाइक का जो एनओसी पेपर था ना भाई वो आ चुका है भाई इस चीज़ की भाई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई मतलब कि जो रहता है ना कि अपनी बाइक का भाई ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं भाई जब आप बाइक फाइनेंस करवाते हो वो भाई सारी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। तो जिस बैंक ने भाई मतलब जैसे हमारा IDFC फर्स्ट बैंक से भाई भाई इसको लोन एग्रीमेंट करवाया गया था ठीक है तब भाई हमारी इसकी ईएमआई बनी थी 12 महीनों के लिए वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद फिर IDFC बैंक की तरफ से ही भाई डाक के जरिए भाई स्पीड पोस्ट से आपके घर पर भाई जो एनओसी पेपर आता है वो फाइनली अपन लोगों के पास आ चुका है ठीक है भाई। और देखो वो एनओसी पेपर भाई कुछ इस तरह का आया है मैं आपको दिखा दूं ठीक है। और इसको भाई आपको दिखाते हैं कि भाई इस वाली एनओसी में भाई क्या क्या लिखा रहता है क्या क्या नहीं रहता है आखिर इसमें ऐसा क्या रहता है ठीक है। और दूसरी बात ये है इसका मतलब ये नहीं है कि एनओसी पेपर भाई आप लोगों के पास आ गया तो बस सारा डिटेल विटेल जो भी कुछ था वही ख़त्म हो गया। इसकी भी वैलिडिटी होती है ठीक है और इसका क्या करना है वो भी जानते हैं अपन लोग। मतलब कि इसको भाई देखो इस पे लिखा है मैंने पढ़ चुका है पूरी तरह से अभी आपको दिखाना बाकी है ठीक है। और दिखाते हैं इसको मतलब कि अपन लोगों को भाई शोरूम पर लेके जाना है और वहाँ पर भाई जो अपन लोगों की आरसी रहती है ना उसके साथ इसका भाई कुछ होने वाला है। तो वो और डिटेल में जानने के लिए इसको खोल कर अपन लोग पढ़ते हैं। और भाई जिस दिन भाई पिछली वाली जो वीडियो अपन लोगों ने देखी थी ना कि भाई हमारी एनओसी नहीं आई है भाई मतलब कि वो बोल रहे थे स्पीड पोस्ट से तो भाई हमारे शोरूम पर जाने से पहले ही भाई उसी दिन बाय पोस्ट से भाई शाम को घर पर भाई एनओसी अपने को डिलीवर हो चुकी थी ठीक है। तो कुछ एक और बार भाई देख लो इस तरह से भाई कुछ रहता है ये IDFC फर्स्ट बैंक ठीक है। ये स्पीड पोस्ट है भाई देख लो IDFC फर्स्ट बैंक से भाई हमारा फाइनेंस हुआ था बाइक वाइक तो आप देख सकते हो ठीक है। तो इसको खोल के अपन लोगों को दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर भाई क्या मैटर क्या मटेरियल रहने वाला है ठीक है भाई। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जो भाई एनओसी पेपर रहता है उसको खुद खोलते हैं और देखते हैं उस पर क्या लिखा है। खोलिए चला है दिखा इस पर क्या क्या लिखा है ठीक है फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी डिटेल से लिखी हुई है। तो देखो भाई ये इसके सबसे पहले इसका फ्रंट पेज देखते हैं ठीक है। ये इसने बैक साइड ओपन कर दिया भाई ऊपर तो भाई अपना ये जो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर आप लोगों का भाई एड्रेस वेड्रेस लिखा रहता है ठीक है। और यहीं पे भाई ये एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ये देख लीजिए ठीक है ये बहुत ज़रूरी रहता है। और देखो इस पर भाई एनओसी की जो वैलिडिटी रहती है ना वो भी इस पर मेंशन की जाती है ठीक है। तो आप देखो ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके भाई जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है वो कर रखे हैं इन्होंने ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है ये देख लो आप एक बार दिस एनओसी इज़ वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो इस 90 डेज का इन्होंने भाई इतना कम समय हमारे को क्यों दिया भाई। तो इसका मतलब ये है कि इसको भाई इसने टाइम के भीतर अपन लोगों को भाई शोरूम में ले जाना। अब क्या करना है वो यहीं पे दिखाई देगा आप लोगों को। तो देखो भाई रेफरेंस नंबर तो यहाँ पे ये दिया ही हुआ है और देखो देखो इसमें देखो क्या लिखा रहता है कि किस लिए भाई एनओसी ज़रूरी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वी हैव वी कन्फर्म दैट व्हीकल लोन एग्रीमेंट विद आवर कस्टमर जो भी मिसेस वीरेंद्र सिंह जो मेरे पापा जी का नाम है टू हूम वी हैव ये देखो इसमें लिखा है फाइनेंस बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखो अपने आपकी बाइक का जो नंबर रहता है UPI 37S220 वो लिखा है टर्मिनेटेड एंड वी रिक्वेस्ट यू टू रिमूव हाइपोथेकेशंस फ्रॉम द इंश्योरेंस बुक्स। मतलब कि ये जो है ये शोरूम पर जाएगा शोरूम वाले इसको भाई या तो RTO की जो साइट रहती है वहाँ पर इसको अपलोड करेंगे या RTO के पास लेके जाएंगे। तो वहाँ पर जो भाई वो मतलब वहाँ पे मेंशन रहता है ना RTO में ऐसी डिटेल फिल रहती है कि आपकी बाइक भाई फाइनेंस करवाई गई थी इस बंदे के नाम पर ठीक है तो इसकी EMI चलनी है तो वो सारा भाई टर्मिनेट करवाना है कैंसिल करवाना है अपन लोगों को ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर रहते हैं। अब इसका दूसरा पेज देखते हैं। वैसे एक चीज़ भाई मुझे काफ़ी आकर्षित किया ये भाई देखो IDFC फर्स्ट बैंक का भाई क्या शाइनिंग मारता हुआ भाई देखो क्या ब्रांडिंग लिखी हुई है ना तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ठीक है। इसके अंदर का देखते हैं भाई दूसरा पेज क्या कहता है अपन लोगों से। इस पर भाई कुछ दूसरे पेज पे देखो इन्होंने
फॉर्म नंबर 35 कुछ ऐसे करके लिखा रहता है, देखो सी रूल्स 61 ये लिखा है टू मेड इन डुप्लीकेटेड और देखो विद कॉपी विद एंड्रोसमेंट रजिस्ट्रेड अथॉरिटी टू फाइनेंस सिमिलेटरी मेकिंग एंट्री सर्कमेंटेंस। मतलब कि जो मैं भाई आपको दिखा रहा हूँ अगर इंग्लिश में समझ में ना आ रहा हूँ ना, आप लोग क्या करो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो गूगल का लेंस रहता है वहाँ पे जाके इसको मतलब हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में पढ़ा जा सकता है इजीली, ठीक है। हालांकि मैं आपको इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ। इसमें देखो इन्होंने हर्बली डिक्लेयर्ड करते हैं कि जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था हायर परचेस, मतलब जो लोन वाला सिस्टम था IDFC फर्स्ट बैंक, उसे टर्मिनेट करता है, कैंसिल करता है, ठीक है। और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हीकल, मतलब जो RC है इस वाले व्हीकल कल की UP 37 की, इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइड एग्रीमेंट बिटवीन अस कैंसिल, तो उसमें भाई ये मेंशन कर दिया जाए कि ये जो हमारा एग्रीमेंट था लोन एग्रीमेंट उसमें कैंसिल कर दिया जाए। मतलब कि जो अपन लोगों को भाई RC मिली थी, आपको भाई अपनी RC दिखा चुके हैं बाइक की, तो उसमें भाई ये सारी चीज़ें डिटेल्स मौजूद थी, बाइक का कार मॉडल वॉडल कलर वलर सब चीज़ आपके भाई जो जिसका भाई ओनर है उसकी एड्रेस वेड्रेस सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसमें भाई RC में ये भी मेंशन था कि ये बाइक भाई फाइनेंस करी गई है, इस बैंक ने भाई लोन एग्रीमेंट साइन करवाया था और इनकी EMI इतने साल के लिए बनी है, तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अब पूरी हो चुकी है, तो हमारे को शोरूम पे जाना है, इसको उनको दिखाना है, वो लोग भाई RTO की साइट पे या वहाँ RTO में जमा करेंगे, वहाँ पे इसकी कॉपी अटैच की जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर फिर भाई RC में मेंशन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर जो आपकी RC है उसका भाई अलग से भाई एक फ़ोटो वोटो निकलेगा, ठीक है, मतलब दूसरी फोटो स्टेट करके RC में निकलेगी जिसमें मेंशन होगा कि हमारा लोन एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो यही भाई ये कुछ इसमें मतलब जो ये NOC पेपर हमारे को लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी इसमें लिखा हुआ है। तो देखो डेट ऑफ अक्टूबर इसमें लिखा है स्ट्राइक आउट विजर इन कैपिटल, और देखो ये अतुल शर्मा है भाई IDFC फर्स्ट बैंक के, ठीक है, फाइनेंसर जो भी हैं। और देखो भाई नीचे भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट बिटवीन कैंसिल अस और देखो स्ट्राइक आउट विच इज़ इन कैपिटल, ठीक है, और ये अतुल शर्मा। तो भाई ये कुछ ऐसा एग्रीमेंट रहने वाला था, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें दिखा दिया है, ठीक है, और बाकी भाई एड्रेस डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकते, ठीक है, लेकिन बाकी जो जो ज़रूरी थी वो कुछ ऐसा था। तो देखो आप ध्यान से देख लो, ये पेपर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे दिख करके दिखा देते हैं आपको, और एक बार भाई तो देख लो आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों देखो जैसे कि ये तो इसका फ्रंट पेज हो गया, ठीक है, जो कि अपन लोगों ने बात कर चुकी है इस वाले पेज की, इस पर क्या क्या रहता है डिटेल विटेल, ठीक है, रेफरेंस नंबर एड्रेस, ठीक है, इस पेज की बात कर ली, इस पर लिखा रहता है कि आपको शोरूम में जाके मेंशन करवाना है RC में, ठीक है। इसके भाई बैक साइड जो बिल्कुल लास्ट में भाई ये मतलब तीन पेज इस पर छापा हुआ रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जो आपको पढ़ना रहता है। इस पर भाई ऑफिस एंडोर्समेंट के लिए है, मतलब कि आपको इसका कुछ नहीं करना है, पढ़ लेना है। इस पर IDFC फर्स्ट बैंक का भाई एड्रेस लिखा हुआ है जो फाइनेंसर है उनका, ठीक है, और बाकी सारी इसमें लिख के स्पेसिफिक सिग्नेचर फाइनेंसर टू बी ऑप्शन, और भाई यहाँ पे सिग्नेचर करा जाना, ये अपन लोगों के काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये भाई जो वहाँ पे हीरो शोरूम पर होगा वो लोग देख लेंगे इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे ये फाइनेंसर के भरने के लिए रहता है, फाइनेंस मतलब जानते हो जो भाई जिस टाइम आपने बाइक ली थी और जिस बंदे ने भाई आपकी बाइक फाइनेंस करवाई थी उसके काम की चीज़ है ये, ठीक है, तो ये उसके पास जाने वाली है, ठीक है। तो भाई ये कुछ रहने वाला था भाई, अपनी NOC आ गई भाई, शांति मिली। बाकी भाई ये 90 डेज की जो वैलिडिटी दी गई है इसीलिए दी गई, इसके बदले में हमारे को एक छोटा सा भाई कार्ड भी मिल सकता है भाई, ठीक है, मेरे को जहाँ तक पता है। अब भाई 90 डेज की वैलिडिटी क्यों दी गई है, किस लिए दी गई है, ये तो भाई हमारे को शोरूम पे जाके पता चलेगा। और जैसे कि हम आपसे ये पूरा वादा कर चुके हैं भाई, शोरूम पे पूरी कोशिश रहेगी वीडियो बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड करके आपको दिखाई जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि भाई आपको लगे कि ये भाई हमारे साथ झूठ बोलता है, मजाक करता है, ये वो को करता है, ठीक है। तो ये कुछ पेपर इस तरह से भाई आता है, आप लोग एक बार फिर नज़र मार लीजिए, ठीक है। तो भाई ये कितना शाइन मार रहा है भाई, एक और बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी भाई एड्रेस जो लिखा था वो आपने देख लिया। तो दोस्तों अभी ना भाई वाइड एंगल मोड सेट था, ठीक है, तो इसलिए भाई आपको दूर से दिख रहा था, तो देखो ये थोड़ा पास से दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये भाई कुछ इस तरह का भाई पेपर दिखता है, ठीक है, आप एक बार देख लो आगे पीछे से ऐसे करके, भाई पीछे भी भाई वही सारी लिखी रहती हैं डिटेल्स, ठीक है, जो कि होनी चाहिए। और देखो ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये कुछ इस तरह से पेपर। तो बस दोस्तों आज अपन लोगों को यही देखना था, एक बार लास्ट में थोड़ी सी समरी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि क्या बात करी हमने वीडियो में, मतलब कि हमारी जो बाइक की NOC है, देखो ये वाली NOC कब मिलती है अपन लोगों को, देखो जब बाइक भाई आपने EMI करवा रखी होती है 3-4 महीनों की, या मतलब 6 महीनों की मान लो, या पूरी मतलब साल भर की मान लो, ठीक है, तो जब आपकी EMI कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब कि आपके सर से लोड खत्म हो जाता है कि किससे भरनी है भाई, राशन वाशन कैसे चलेगा, तो ठीक है, तो उसके बाद आपको NOC भाई सेंड करी जाती है बाई स्पीड पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए, तो ये वो NOC पेपर है, ठीक है। इसके बारे में भाई इसमें क्या क्या लिखा था वो सारी चीज़ें सारी डिटेल्स भाई अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ रहने वाली थी। अगर आपको और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार पीछे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें पोस्ट भाई रजिस्टर्ड पोस्ट संख्या भी यहाँ पे भाई देखो दी हुई होती है इस तरह से, और
ये NOC की वैलिडिटी इतनी क्यों है, ये भाई तभी पता चलेगा जब अपन लोग भाई शोरूम पे जाएंगे। इसका क्या मैटर रहने वाला भाई, 90 दिन की क्यों पड़ी है इसकी, भाई तो रहनी चाहिए थी ना, ज़्यादा टाइम पीरियड रहना चाहिए था भाई इसका, सालों का रहना चाहिए था, सिर्फ 90 दिनों का क्यों दिया गया है। ठीक है ना, तो दो तीन महीनों में ही ख़त्म हो लेगी भाई, मतलब बस 2 महीनों में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये देखेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड तो भाई अपन लोगों को कमेंट करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।